मैं हूं जहांगीर लोधी नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान। आज मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर के ऊपर एक भरपूर मुजाहरा किया गया और दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाज़ जो है अमेरिकन तक पहुँचाने की कोशिश की कि हम पीसफुल कौम हैं, हम पुरअमन तरीके से रहकर दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मुसलमान मुखालिफ मुतासबाना बयानात और आईएसआईएस दाइश की इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुस्लिम ने दीगर अमेरिकन मुसलमानों के साथ मिलकर एक भरपूर मुजाहरा किया। रैली में शरीक मुस्लिम अमेरिकन पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप और आईएसआईएस दाइश मुखालिफ अल्फाज के कार्ड उठा रखे थे और भरपूर अंदाज में हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली हम लोग सब जो है कंडेम करते हैं आईएसआई को। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हालिया मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर अमेरिका भर में शदीद गम व गुस्सा और बेचैनी पाई जाती है। जो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं इससे मुसलमानों को काफ़ी हर्ट हुए हैं, इसलिए कि पिछले दिनों जो रिपब्लिकन पार्टी ने अपने एक नैरेटिव दिया है वो हेट पर मबनी है। दुनिया को एक पैगाम है कि आईएसआईएस इस्लाम नहीं है, तो जो भी आईएसआईएस के नाम पर इस्लाम के नाम पर आईएसआईएस कर रही है वो इसको हम कंडम करते हैं कि हम आईएसआईएस को कंडेम करते हैं, हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। व्हाट पीपल डोंट नो इज दैट मोर मुस्लिम्स हैव डाइड एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म देन एनी अदर रिलीजन, सो वी आर विक्टिम्स जस्ट एज मच एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम मींस पीस, मुस्लिम्स आर पीसफुल पीपल एंड वी आर अमेरिकन्स, वी आर जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। डॉक्टर परवेज इकबाल ने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की दुनिया भर में मजम्मत करते हैं। इस्लाम कंडेम्स टेररिज्म, सो डू वी, सो डू अमेरिकन मुस्लिम कंडेम टेररिज्म एंड ऑल काइंड ऑफ वायलेंस। कि हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। वसीयत है पाकिस्तानी अमेरिकन, हम दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। टू स्प्रेड द मैसेज इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद रेडिकलाइज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। मुजाहरीन का कहना था कि हम मुसलमान अमन पसंद हैं और हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जहांगीर लोधी, न्यूयॉर्क।